हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीसीपी क्लासेस। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 36, जो कि चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है। ये सेम क्वेश्चन पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम अ सी लेवल The angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. So if the ships are on the opposite sides of the lighthouse, then find the distance between the two ships. तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो ये कह रहे हैं कि 75 मीटर एक हाई लाइट हाउस है, तो यहाँ पे एक लाइट हाउस बना लेते हैं। ये 75 मीटर है और इसके दोनों अपोजिट साइड पे दोनों तरफ दो शिप है 30 डिग्री और 45 डिग्री पे। तो यहाँ पे इसके सीधे सीधे हम अपोजिट साइड पे दो शिप, एक बी पे और एक सी पे, ये रख लेते हैं। तो ये 75 हो गया और यहाँ पे हम इसको ए पॉइंट मान लेते हैं। तो क्योंकि जो लाइट हाउस है ऊपर से ये लाइट दिखाने के काम आता है, तो जो एंगल बनेगा, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो एक 30 डिग्री होगा जो कि ऊपर बनेगा और एक 45 डिग्री। तो क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, तो यहाँ पे हम 30 डिग्री लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 45 डिग्री अल्टरनेट एंगल से। तो हमें यहाँ पे कह रहे देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी टू शिप्स। तो हमें इस दोनों के बीच बी और सी के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमको पता करना है। तो इसको हम मान लेते हैं इतना दूर ये एक्स है और यहाँ से यहाँ ये वाई डिस्टेंस है। तो अब इसको करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ए पी है, लेट ए पी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द लाइट हाउस। तो इसीलिए जो ए पी है, क्योंकि ये हाइट है, तो ये 75 मीटर है जैसा इस डायग्राम के अंदर है। और जो बी पी है इसको हमने x लेट कर रखा है, एंड जो cp है इक्वल टू y। तो इन ट्राइंगल APB AP अपॉन PB इज इक्वल टू 1030, क्योंकि यहाँ पे ए पी और पी वी तो 30 डिग्री यहाँ पे है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर और ये बेस होता है, इसीलिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1030 डिग्री हो जाएगा। फिर ए पी यहाँ पे क्योंकि 75 दिया हुआ, तो 75 और जो पी वी है ये एक्स है इज इक्वल टू 1030 की जो वैल्यू होती है ये होती है 1/√3। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, x को 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा x, और 75 को √3 से करेंगे तो 75√3 मीटर, तो ये आ जाएगा, ये हो गया इक्वेशन 1। फिर उसके बाद में इन ट्राइंगल ए पी सी, तो अब इसी तरीके से ए पी सी के अंदर ए पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू 1045। तो 1045 डिग्री है, तो ए पी क्योंकि 75 है तो यहाँ पे हम 75 लिख लेते हैं और ये है y, और 1045 की वैल्यू ये 1 होता है। तो 75 और इस y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 75। तो 75 मीटर तो 75 मीटर इज इक्वल टू वाई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पे क्योंकि जो बी सी है ये बी पी प्लस सी पी होता है, तो बी पी प्लस सी पी
इज इक्वल टू बी सी। तो ये जो बी पी है ये एक्स है, तो एक्स प्लस और जो सी पी है ये वाई है इज इक्वल टू बी सी। तो एक्स प्लस वाई जो हमने अभी निकाला है 75√3 और 75, तो ये हो जाएगा 75√3 प्लस वाई की जगह पे 75 हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। और जो बी सी है ये हमको पता करना था बी सी, तो देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू जो 75 है ये कॉमन ले लेंगे और √3 प्लस 1 मीटर। तो इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये 75√3 प्लस 1 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ हम लिख देते हैं 10 डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज 75√3 प्लस 1 मीटर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।